चलिए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन से। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। किसने भैया मदरसा का स्थापना? वारन हेस्टिंग्स। प्रथम मदरसा कलकत्ता 1781। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ऐश कौन करती है दोस्त? ऐश करती है बिल्ली, ऐश करती है द बिल्ली से सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। क्लियर हो गया? तो 1784 ईस्वी में किसने हेस्टिंग्स के सहयोगी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, ताकि एशिया में सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास प्रथा संबंधी कला विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि संस्कृत कॉलेज किसके जो है सहयोग से खोला गया था? जोनाथन डंकन। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन कब? 1791। कहाँ पे? बनारस में, ठीक है। तो संस्कृत विद्यालय या कॉलेज खोला गया जोनाथन डंकन के सहयोग से प्रयत्नों से 1791 ईस्वी में बनारस में, और 1784 ईस्वी में जो है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? 1791 में जोनाथन डंकन ने। अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में सर विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था का अध्यक्षता का प्रथम अस्वीकार कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भुत विद्वान तथा प्रचर विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का, ए नंबर। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। ए भी सही है, आर भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। एक पॉइंट यहाँ पे भी है, ये देखिएगा। चार्ल्स बिल्किंस द्वारा जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद का प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। तो भगवत गीता का चाल अनु अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने? चार्ल बिल्किंस और वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखे थे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने पेरिस रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का, बी नंबर, माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस रिस रहा है, क्या रिस रहा? मधुर रिस रहा है। तो पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता जो है माइकल मधुसूदन दत्त ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत का गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस, जिसकी प्रस्तावना स्वयं जो है वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। शकुंतला जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। 7 का, डी नंबर, सर विलियम जोन्स ने। याद रखिएगा, शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने वारन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। स्वयं इसने सभापति नियुक्त हुए। एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी के क्रम में 1789 ईस्वी में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद में किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित हुए थे।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जो है जिसके 5 संस्करण प्रकाशित हुए थे वारंट किसके, सर विलियम जोन्स के काल में, सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी जो है किसने किया था, विलियम जोन्स ने ही। और उस समय जो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वारन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों किया था, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पासी नंबर दे रहा है कि भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वह राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, एकदम नहीं। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं। जो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीय का, मतलब छोटे छोटे पोस्ट पे शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता के लिए जो है उसने इसका ये किया था, आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया था। क्लियर हो गया। तो अंग्रेजों का जो है, ब्रिटिश का अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार का मेन कारण क्या था, ताकि जो प्रशासन का खर्च करता था, जो बोल सकते थे छोटे छोटे जो है कर्मचारी लोग होते थे, तो छोटे कर्मचारी को जो है वेतन देने के लिए, ताकि भारतीय रहेगा तो कम पैसे में आ जाएगा, तो छोटे कर्मचारी और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा कर सके, इसीलिए जो है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चार्टर अधिनियम 1813, यानी पहला चार्टर अधिनियम 1793, दूसरा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत पहली बार 1 लाख रुपए जो है खर्च करने के लिए अधिनियम किया गया था। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक दो, मतलब सहायता अनुदान शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये नहीं है। पहला दूसरा जो है वुड डिस्पैच के बारे में सही है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था, किसके द्वारा, चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 ईस्वी में। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, क्या चीज़ पर, भारतीय शिक्षा पर। इस घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य माध्यम सुधारों आदि पर विचार किया गया, क्लियर। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र शिक्षा से रिलेटेड है 1854 ईस्वी में, और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, चार्ल्स वुड का आदेश प्रपत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर शिक्षा से रिलेटेड 1854, जिसे भारतीय या सॉरी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीटर की रिपोर्ट में जो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया, तो 1824 ईस्वी में क्या हुआ, 1854 ईस्वी में आपका वुड डिस्पैच आया था शिक्षा से रिलेटेड, उसके बाद 82 में, 1882 में WW हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त की गई। इस आयोग की रिपोर्ट में जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार किया गया, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो करेक्ट आंसर जो है डी नंबर, 15 अगस्त 1906 ईस्वी का। अच्छा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना 1905 ईस्वी में। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन आयोजन किया गया, सम्मेलन में राष्ट्रीय सहित वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद
यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला किया गया, जो कि 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को हम लोग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेडलर आयोग संबंधित था, तो सेडलर आयोग भी शिक्षा से रिलेटेड था, यह 1917 ईस्वी में डॉक्टर एम ई सेडलर, जो लिट्स विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। ठीक है, तो सेडलर आयोग शिक्षा से रिलेटेड 1917। शिक्षा से सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो सेडलर 1-7-1917 शिक्षा से रिलेटेड। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय का आयोग गठित किया, वे कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का D&B, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्याय मित्री गुरुदास बनर्जी, साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस। DB दोनों सही है। ठीक है, BPSC 2020 में पूछा गया। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्य में दो भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। किसको, बिलग्रामी को और गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा इस सुझाव के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, तो करेक्ट आंसर जो है डी होगा इसका, हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। ठीक, 16 का डी, लॉर्ड मैकाले रिलेटेड है। 17 का सी, अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले के बारे में थोड़ा समझिए, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल की विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। लॉर्ड मैकाले ने भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, निस्यंदन सिद्धांत, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निस्यंदन सिद्धांत जो है शिक्षा से है। निस्यंदन सिद्धांत किससे, शिक्षा सिद्धांत से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक जो थे आपका मैकाले, फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले ने। तो याद रखिएगा फिल्ट्रेशन थ्योरी को हम लोग यही बोला जाता है अधोमुखित निस्यंद सिद्धांत या द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये लॉर्ड मैकाले से रिलेटेड ही है, जो कि शिक्षा समाज क्या है इसके बारे में देखिए। भारत के उपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। भारत में शैक्षिक नीति के लिए फिल्ट्रेशन थ्योरी बी नंबर मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस से परे थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव की बात करेंगे तो 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पर, तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का नींव जो परी है आपका, वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा भी, एंड पांचवीं अंगल विवाद के द्वारा भी। क्लियर, 2018 में पूछा गया था, 1, 2, 3 दोनों।
किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 22 का, ए नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स के काल में। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स जो है काल था 1828 से 35, क्लियर। और इसी समय में जो है 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, जो कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया, क्लियर। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 23 का करेक्ट आंसर 1857 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच, क्लियर है। ये तो अपन पीछे भी पढ़े हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है 1854, चौवन का जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बना करके लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में जो है तीन विश्वविद्यालय 1857 में लाइक कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई की स्थापना की गई थी। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी नंबर, डीके कर्वे, क्लियर। तो डीके कर्वे के प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। डीके कर्वे के सतत प्रयत्नों से 1916 ईस्वी में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह महाराष्ट्र में समाज सुधारक एवं सामाजिक कर्ता थे। तो डीके कर्वे जो थे, इनके प्रयत्न से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, यह महाराष्ट्र में समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवा के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना किया। ठीक है, 1896 ईस्वी में इन्होंने विधवा गृह की स्थापना भी किया था। तो विधवा गृह की स्थापना भी डी के कर्वे ने किया था। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। 1958 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सी नंबर, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1854 ईस्वी में डेकन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। संस्था के संस्थापकों में बी के चुमलंकर, चिपलुंकर, बीजी तिलक, MB नाम जोशी, गोपाल, ये सब चीज़ें थे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो करेक्ट आंसर हिंदू कॉलेज कलकत्ता के। देखिए, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक विचारकों में से एक थे। 1870 ईस्वी में इन्होंने डेविड हियर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर के कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में, डेविड हियर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर के राजा राम मोहन राय ने करवाया। ठीक है, दूसरा देखिए, मेयो की बात करते हैं। तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। तो कलकत्ता की स्थापना, कलकत्ता कॉलेज की स्थापना 1870, मेयो 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 साथ में पंच मारेंगे। तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में की गई। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना साथ में पंच 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज। ठीक है, तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में की गई थी। एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना से किस वर्ष की गई थी? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड हियर अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो 28 करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा कि कौन सा सही है। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज ये कहीं ना कहीं गलत है, फोर्ट विलियम कॉलेज ये भी गलत है आपका, कलकत्ता का मदरसा वारन हेस्टिंग्स ये सही है, दो नंबर सही है, बाकी सब गलत है। देखिए,
बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी, कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग्स 1781, फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो है लॉर्ड रिचर्ड कोले वेले जले, ठीक है, 1800 ईस्वी में, तो यानी कलकत्ता का मदरसा जो है वारन हेस्टिंग्स, ये सही है सर। विलेज यानी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए किए थे? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसीलिए विलेज यानी लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर विलेज अली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो करेक्ट आंसर 31 का जो है डी नंबर, मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो करेक्ट आंसर जो है सी नंबर, लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास 1916 के वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? सर्वप्रथम सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, जो कि तत्कालीन गवर्नर की अगर हम बात करेंगे या वायसराय की बात करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामाना मदन मोहन मालवीय जी को जाता। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक प्रेस का विकास। तो क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र था? तो करेक्ट आंसर जो है बंगाल गजट 1784 ईस्वी में जेम्स अगस्ट की। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, प्रारंभ में जो है विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनियां ने इनको इंग्लैंड भेज दिया। किसको? विलियम बोल्स को। तो 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिकी ने बंगाल गजट, याद रखिएगा बंगाल गजट 1784 बोले थे, गलत है, 84 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था। तो सीएम सगस्ट खिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को अपने कंपनी की आलोचना करने के अपराध की सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस पर जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया। क्लियर हो गया? तो बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र था जो 1780 ईस्वी में जो है जेम्स अगस्ट हिक्की ने जो है प्रकाशित किया था। इसमें जो है क्या किया कि कंपनी के बारे में जो है बुराइयों को बताना किया, आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या किया गया कि कंपनी ने जो है हिक्की को जो है सज़ा भी दिया और साथ ही साथ बंगाल गजट का भी समाप्त कर दिया। लेकिन हिक्की कभी भी अपने पत्र में जो है समाचार पत्र में हमेशा सच्चाई की बातें ही करता था। क्लियर हो गया? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो करेक्ट आंसर द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिक्की ने कंपनी के बुराइयों के बारे में लिखना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से जो है कंपनी ने क्या किया कि उसको पकड़ करके कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। फिर भी जेम्स अगस्ट हिक्की अपने बातों से नहीं पलटे और हमेशा सच्चाई के बारे में लिखते रहे। अंततः जो है कंपनी ने जो है बंगाल गजट को ही खत्म कर दिया। तो बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र 1780 जेम्स अगस्ट हिक्की। निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किए थे? तो प्रेस सेंसरशिप लागू की थी विलेज अली ने। भैया प्रेस का सेंसरशिप है, तो प्रेस का सेंसरशिप विलेज अली ने किया था, ठीक है। 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया गया। 1799 में समाचार पत्रों का प्रतिशिक्षण अधिनियम पारित कर दिया गया। क्या किया गया? 1799 ईस्वी में विलेज अली ने समाचार पत्र के संपादक मुद्रक स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्व को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यवेक्षण के लिए भेजना होता था। मतलब क्या किया गया कि समाचार जो छापता था उनका पूरा नाम जो है स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता था, साथ ही साथ प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने से पहले सरकार का जो सचिव होता था उसके पास जो है भेजना पड़ता था कि हाँ हाँ भाई ये चीज़ हम छापने वाले हैं। तो यही है प्रेस सेंसरशिप लागू जो कि किया था विलेज अली ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था?
तो करेक्ट आंसर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने भाई इसको जो है रद्द किया था भाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं रिबन काटेंगे, रिपन काटेंगे तो रिपन ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम लोग देसी भाषा प्रेस अधिनियम के बोल सकते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। क्लियर, दो पॉइंट और याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था, मतलब स्टार्ट किया गया लिटा करके प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में 1878 ईस्वी में, और इसको जो है खत्म करने का काम किया था किसने, लॉर्ड रिपन ने, रिपन काट के। इसे जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी मुंह बंद कर दिया गया, तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम, ठीक है, रिपन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था, तो प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिटन ने, खत्म किया था रिपन ने। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, तो प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया लॉर्ड किसके काल में, रिपन के काट में, रिबन काटेंगे। पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय, मतलब क्या हुआ, पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक जी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया, तो फारसी में था, तो मिरातुल अखबार राजाराम मोहन राय। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया था, बंगला में साप्ताहिक संवाद कैमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन भी किया था राजाराम मोहन राय ने। फारसी भाषा में एक और समाचार पत्र था जिसका नाम था मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन भी राजाराम मोहन राय ने किया था। तो मिरातुल अखबार, बुद्धि दर्पण राजाराम मोहन राय ने, संवाद कैमुदी, प्रज्ञा का चांद जो कि बंगला में था ये भी राजाराम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1880 ईस्वी के दशक में इंडियन मिरर अखबार के प्रकाशन कहाँ से होता था, तो 10 का करेक्ट आंसर जो है बी नंबर, कलकत्ता से, ठीक है। इंडियन मिरर अखबार के बारे में समझिए कि इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता से में होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 61 में हुआ था, इसका देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मदन मोहन घोष को है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर बोलिए और मदन मोहन घोष, ये इंडियन मिरर की स्थापना के जो है श्रेय जाता है इनको, और केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ जो है इसके संपादकीय विभाग के थे, ये दैनिक अखबार था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित की गई, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उर्दू भाषा में। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो कि उर्दू भाषा में था। नौ दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में भी छपने लगा, ठीक है। गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था, 2013 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, तो करेक्ट आंसर शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी, कहाँ पे की थी, कलकत्ता में।
और हिंदू पैट्रियट की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, एशियन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सॉरी, हिंदू पैट्रियट की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष। हिंदू पैट्रियट की स्थापना जो है गिरीश चंद्र घोष ने की थी, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अगला पॉइंट देखिए, 14 नंबर कि लोकमान्य बाल बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेवक के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? करेक्ट आंसर 14 का जो है बी नंबर, केसरी नाम से। तो केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करवाया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ करवाया। क्रांतिकार काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन सा अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो करेक्ट आंसर जो है डी नंबर, बंगवासी भी, केसरी भी, काल भी। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी। संध्या युगांतर कालीन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों में वकालत की थी। ये बीबीसी 2016 में पूछा गया कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो करंट आंसर 17 का जो है डी नंबर, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। यंग इंडिया किसने, यंग कौन है? महात्मा गांधी जी है, यंग जो है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, मतलब हिंसा नहीं करते थे, अहिंसक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। तो ये यहाँ से एक ये क्वेश्चन भी बनेगा कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने किया था और साथ ही साथ सोहन सिंह भाकना ने। इस संस्था ने गद्दर नामक एक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम गद्दर पार्टी पड़ गया। ठीक है, तो क्या है कि 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गद्दर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गद्दर पार्टी भी पड़ गया था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इस सोमवार को स्कूल नहीं जाएंगे। तो करेक्ट आंसर बी नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आरंभ किया था। इसमें जो है सोम प्रकाश में नील आंदोलन के किसानों के हितों के समर्थन किया गया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति के प्रचारक था? तो करेक्ट आंसर जो है लीडर। फ्री प्रेस जर्नल की एक न्यूज एजेंसी थी, न्यू इंडिया की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। न्यू इंडिया का स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मनसुख लाल नजर। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे कहीं ना कहीं मनसुख लाल नजर, 20 का डी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 ईस्वी में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। यानी इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट की गई एक पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक हुए मनसुख लाल। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? यही इंडियन ओपिनियन ही था, जिसके प्रथम संपादक हुए मनसुख लाल। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था?
करेक्ट आंसर उर्दू भाषा में जो है नहीं छपा जाता था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, जिसका प्रथम संपादक थे मनसुख लाल। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया 7 मई 1919 को महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण के में बम्बई से द्वि साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हो गई। तो यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या नाम है? उद्दत मार्तदंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। 24 का करेक्ट आंसर ए नंबर कलकत्ता से। उद्दत मार्तदंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को जो है कलकत्ता से हुआ था। इसका प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। 25 नंबर देखिए, भारतीय तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था आपका। करेक्ट आंसर ए नंबर हिंदू पैट्रियट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कि किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो है, अगर हम बात करेंगे तो गंगाधर द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य, किसके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य का जो है साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्प में जो है हिंदी पेट्रियट भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। मतलब ऑप्शन के हिसाब से हिंदू पेट्रियट, लेकिन प्रथम समाचार पत्र की बात करेंगे तो अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट ही था। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक। करेक्ट आंसर 26 का जो है बी नंबर हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम का के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक रूप से जुड़े थे। संपादक रूप से कौन जुड़े थे? वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशनल का जो है प्रकाशन पटना से होता था। किसका? इंडियन नेशन का। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। किसने? कामेश्वर सिंह ने। और इसका प्रकाशन पटना से होता था। संदेश वाणी के संपादक थे। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर रामकृष्ण पिल्ले जो है संदेश वाहिनी, स्वदेश वाहिनी, सॉरी संदेश बोल रहे हैं, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्ले ही थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं मोतीलाल नेहरू से अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले देखिए भारत मित्र, तो मित्र कैसा होना चाहिए? हिंदी बोलने वाला होना चाहिए। राष्ट्रमत, राष्ट्रमत सबसे ज़्यादा कौन करता है? राष्ट्रमत मराठी लोग करता है। प्रजा मित्र की बात करेंगे तो याद रखिएगा प्रजा, प्रजा क्या होता भाई? प्रजा कहीं ना कहीं रात में जगती है, रात में गुजराती। नायक क्या होता? नायक बहुत ज़्यादा गाली देती है तो नायक बंगाली। ठीक है, यानी 3-4-2-1 हो जाएगा। 3-4-2-1, 3-4-2-1 सी नंबर। चलिए इसको देखते हैं 31 का क्वेश्चंस। तो सबसे पहला भारत मित्र, तो इसका हो जाएगा हिंदी। मित्र कैसा होना चाहिए? हिंदी बोलने वाला। राष्ट्रमत की बात करेंगे तो राष्ट्रमत में ज़्यादा विश्वास कौन करता है? मराठी लोग। ठीक है, प्रजा मित्र, अब प्रजा लोग जो होता है वो रात में भी कार्य करता है तो गुजराती, रात में भी कार्य करता है प्रजा। नायक की बात करेंगे तो नायक बहुत ज़्यादा गाली देता है तो बंगाली। नायक क्या करता है? बहुत ज़्यादा गाली देता है। तो 3 हो गया 4 हो गया एंड 2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1 जो है आपका सी नंबर में ऑप्शन में है। अगला देखिए दैनिक आज, दैनिक आज में एक शब्द है आज। तो आज क्या खाना है? प्रसाद खाना है। आज क्या खाना है? प्रसाद।
तो दैनिक आज के जो लेखक है, संस्थापक है शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर, लीडर की बात करेंगे, लीडर कैसा होना चाहिए, तो लीडर जो है कहीं ना कहीं लीडर मोहित करने वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोहित करने वाला, तो मदन मोहन मालवीय। नेशनल हेरोल्ड, हेरोल्ड में एक शब्द बनता है हीरो, और हेरोल्ड में जो है एक शब्द बना हीरो, और हीरो कैसा होना चाहिए, वाह क्या हीरो है, वाह क्या हीरो है, जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर की बात करेंगे, तो द पायनियर के जो है संस्थापक है जॉर्ज एलेन, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए नंबर में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौली आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा के विषय बना दिया। तो उस समाचार पत्र का नाम था 33 का जो है बी नंबर प्रताप। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। वहां किसान अन्य प्रकार की लगाने लगी हुई थी, इन लोगों को लगाने के विरोध में आंदोलन हुआ। 1913 ईस्वी में आंदोलन करते साधु सीताराम दास ने तथा 1915 ईस्वी में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौली आंदोलन किसान आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन देखें, हरिजन के प्रारंभकर्ता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 34 का जो है सी नंबर, हरिजन। हरिजन जो है, हरिजन जो थे गांधी जी थे, हरिजन के जो है सेवक थे गांधी जी। तो गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में हरिजन बंधु गुजराती में, तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन क्लियर समझिएगा, साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। तो ये हरिजन जो स्टार्ट किए थे, ये गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1193 ईस्वी को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो हरिजन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो ये प्रकाशित हुआ था 35 का जो है पुणे, आज पुणे से। ठीक है, पूना आज पुणे से। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे, यरोदा जेल में थे। इसके संपादक आरवी शास्त्री था। नेक्स्ट, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत आरंभ किया था जो है बी नंबर, बी आर अम्बेडकर ने। किसने, भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत स्टार्ट किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका संबंधित है। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ था, कौन सा एक जनरल था जो कि अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का जो है, 38 का अल हिलाल था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, क्या चीज़ में था, उर्दू में था, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया, लेकिन 1914 ईस्वी में जो है इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अल हिलाल किसने, अबुल कलाम आजाद, 1912 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में बैन कर दिया गया। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर जो है 39 का ए नंबर, वंदे मातरम। लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल्स निकाला था। तो याद रखिएगा, द पीपुल्स की बात करेंगे और वंदे मातरम की बात करेंगे, ये उर्दू में जो है तथा ये द पीपुल्स अंग्रेजी में है। तो उर्दू में वंदे मातरम ये लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया था। चलिए इसको मिलाते हैं, सबसे पहला कि हिंदू, हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो हिंदू कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम बोलेंगे ना जी, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, सुप्रभात, ये हिंदी में बोलेंगे, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। सुधारक, अब सुधार करने का काम कौन करते थे, गोखले साहब करते थे, जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया यानी इंडिया की आवाज़ की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दादा भाई नौजी साहब की थी, तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौजी।
अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाली, तो बस से बंगाली और बनर्जी साहब, तो बंगाली बनर्जी साहब, इन्हें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, 3 2 1 4, डी नंबर। फिर इसको मिलाना है आपको, समाचार पत्र संपादक। चलिए देखते हैं, सोम प्रकाश सोमवार को क्या जाएंगे, विदा करने नहीं जाएंगे, स्कूल करने नहीं जाएंगे, सोमवार को जो है स्कूल नहीं जाएंगे, तो सोम प्रकाश विदा प्रकाश। सुधार कौन करेंगे, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले साहब करेंगे, गोखले। बंगाली कौन थे, तो बंगाली थे बनर्जी साहब, तो बंगाली बनर्जी साहब। बच गया काल, तो काल तो है शिव भगवान ही है ना भाई, काल। काल समाचार पत्र कौन है, शिव भगवान है, शिव खुद में काल है। कालों के काल महाकाल, कालों के काल महाकाल, शिवराम महादेव परापनजे। क्लियर हो गया, यानी 4 1 2 3। एक बार और देखिए, कालों के काल कौन होते हैं, महाकाल, तो शिव राम महादेव परंजय। बंगाली जो है बनर्जी साहब ने लिखा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधार करने का कौन करेगा, तो काम गोखले साहब, तो गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश में सोमवार को स्कूल नहीं जाएंगे, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण, यानी करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, 1 2 3, तो 4 1 2 3 ए नंबर में। चलिए इसको भी मिलाना है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला है बॉम्बे, बॉम्बे में इसको भी अपन ट्रिक से देखेंगे। बॉम्बे, तो बॉम्बे को क्या करेंगे भाई, बॉम्बे तो रोज़ जाओगे ना जी, बॉम्बे सबका इच्छा होता है कि हम रोज़ जाए बॉम्बे, तो रोज़ से फिरोज समेत है, बॉम्बे रोज़ जाएंगे तो बॉम्बे फिरोज समेत है। क्लियर। कॉमनवेल्थ, अब कॉमनवेल्थ कौन थे, तो कॉमनवेल्थ के लेखक थे भाई, कॉमन बंदा भी अगर सेंट लगा लेगा तो बहुत उसको खुशबू आने लगेगा, कॉमन बंदा भी क्या करेगा सेंट लगा देगा तो बहुत खुशबू आएगा, तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ के अलावा न्यू इंडिया भी इन्होंने ही लिखा था, न्यू इंडिया जो है अगर हम बात करेंगे तो ये भी एनी बेसेंट ही है। लीडर की बात करेंगे तो लीडर कैसा होना चाहिए, तो मोहित करने वाला होना चाहिए, तो लीडर मोहित, मोहित से महदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट, सर्च लाइट सौ से सर्च लाइट और सौ से सचिदानंद सिन्हा। क्लियर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, उसके बाद 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 सी नंबर में। ठीक है, तो देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, कॉमन पर्सन भी सेंट लगा देगा तो बहुत खुश भी आएगा, तो न्यू इंडिया और न्यू सेंट आ गया, तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे रोज जाएंगे फिरोज शाह मेहता। सर्च लाइट सदानंद सिन्हा। लीडर की बात करेंगे, लीडर कैसा होना चाहिए, तो मोहित करने वाला होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय। अगला देखिए, पहला है लीडर, तो लीडर के बारे में क्या ट्रिक अपन पढ़ रहे हैं, कि लीडर वैसा होना चाहिए जो लोगों को मोहित करे, मोहन करे, एकदम मदन मोहन मालवीय है। क्लियर, मोहित करने वाला होना चाहिए। बॉम्बे क्रॉनिकल का ट्रिक, कि बॉम्बे रोज़ जाएंगे तो रोज़ फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, तो अगर जो बंदा इंडिपेंडेंट होगा, जो स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो क्या करेगा, मोती का माला पहनेगा, तो इंडिपेंडेंट मोती का माला, मोती मोतीलाल नेहरू। अगला हम बात करेंगे जस्टिस, जस्टिस की अगर हम बात करेंगे, जस्टिस ना भाई, जस्टिस नहीं करेंगे, क्यों जस्टिस नहीं करेंगे, ताकि 12 रिक्स है जस्टिस करने में, इसमें सही गलत का फैसला करना जो है ना बहुत मुश्किल है, तो ना ना नहीं करेंगे, तो TM नायर। ठीक है, TM नायर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ए नंबर। चलिए अगला 44 मिलाते हैं, सबसे पहला है कि अब्दुल कलाम आज़ाद, तो अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, ए ले हिला 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 अल हिलाल कर, तो अब्दुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, भाई रोज़ कहाँ जाएंगे, तो बॉम्बे जाएंगे, रोज़ कहाँ जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट, सेंट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई न्यू सेंट है, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट, साथ ही साथ हाँ न्यू इंडिया एनी बेसेंट दिया तो है यहीं पर। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी यंग थे, महात्मा गांधी क्या थे, यंग थे, तो यंग इंडिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का जो है कहीं ना कहीं 2, बी का 1, सी का 4, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अल हिलाल, हिला हिला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सही है। न्यू इंडिया, भाई न्यू आ गया सेंट, न्यू आ गया सेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, संवाद कमुदी, भाई संवाद कमुदी में क्या होगा, कि राम और मोहन की बातें करेंगे, राजा राम मोहन राय की बातें करेंगे, संवाद कमुदी, राजा राम मोहन राय, सही है। लेकिन तहजीब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका।
तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद ख़ान द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया था। तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, अखलाक सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, इसमें फिर मिलाना है। तो देखिए, अल हिलाल मौलाना आज़ाद, इसमें पूछ रहा कि कौन सा जोड़ा गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो है गलत है, बाकी सही है। देखिए, मौलाना आज़ाद, अल हिलाल सही है, लोकमान्य तिलक केसरी ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, भाई हीरो होगा तो क्या हीरो है, वाह वाह क्या हीरो है, तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पायनियर बोल रहा जो कि गलत है ठीक है, क्योंकि द पायनियर समाचार पत्र इलाहाबाद में जो है जॉर्ज एलियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको द पायनियर को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, पाई पाई माने पैसा, ये ले पैसा, ये ले पैसा, ये ले पैसा, एलियन पैसा, तो पायनियर जो है एलियन लिखा था किसने, जॉर्ज एलियन ने जो है समाचार पत्र प्रारंभ किया था, द पायनियर, ये ले पैसा एलियन ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र, ये भी बीवी है इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन, भाई इंडिया का ओपिनियन कैसा है, महात्मा गांधी के जैसा है, इंडियन ओपिनियन कैसा है, महात्मा गांधी जैसा है। हरिजन, हरिजन का सेवक करने वाला कौन था, ये थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हरिजन थे। यंग इंडिया कौन थे, तो यंग इंडिया जो है यंग थे, जवान थे कौन, महात्मा गांधी जी। नवजीवन की बात करेंगे तो नवजीवन, नया जीवन देने वाले कौन थे, नया जीवन महात्मा गांधी देने वाले थे। क्लियर, एक बार और देखिए, इंडियन ओपिनियन, भाई इंडिया का ओपिनियन क्या है, महात्मा गांधी की भाषा है, इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी की भाषा है, तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। हरिजन, हर व्यक्ति का सेवा करने वाला, हर जन का सेवा करने वाला कौन है, महात्मा गांधी। यंग इंडिया, यंग व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी। नवजीवन, नया जीवन कौन देते हैं भाई, महात्मा गांधी जी देते हैं। अगर महात्मा गांधी की अगर जीवनी आप पढ़ते हो तो आपको नया जीवन मिलेगा, नवजीवन मिलेगा। क्लियर, चलिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, तो पहला इंडियन ओपिनियन, तो भाई इंडिया का ओपिनियन क्या है, महात्मा गांधी के जो है विचार है, तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। यंग इंडिया, यंग कौन है, महात्मा गांधी सही है। नवजीवन, नया जीवन कौन देता है, तो महात्मा गांधी के अगर आप जीवनी पढ़ते हो तो नया जीवन मिलेगा, नवजीवन मिलेगा, लेकिन युगांतर जो है कहीं ना कहीं गलत है, तो 47 का डी, युगांतर समाचार पत्र का, युगांतर, युगांतर का किसने किया था, युगांतर का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बरिंद्र कुमार घोष ने किया था, उपेंद्र ठीक है, युगांतर का ये जो है संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बरिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, कौमी आवाज, कौम का आवाज पत्र का प्रारंभ किसने किया था, तो कौमी आवाज का प्रारंभ किया था, वाह भाई वाह क्या कौमी आवाज है, वाह कौम की आवाज क्या बोल रहे हो, वाह 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 कौम की आवाज, तो कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू ठीक है। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक थे हयातुल्ला अंसारी। याद रखिएगा, कौमी आवाज़ का मतलब होता है कौम का आवाज़, ये कौम का आवाज़ उर्दू भाषा में थे, इसके जो है जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा जो है लखनऊ से, कहाँ से, लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक थे हयातुल्ला अंसारी। इसमें बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का डी नंबर, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद जो बोल रहा है, जो कि गलत है, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए था, कौमी आवाज गलत है। बाकी देखिए, नवजीवन, नया जीवन कौन देता है, एम के गांधी जी। स्वयं राज, स्वयं राज, जो स्वयं राज करेगा ना भाई वो कहीं ना कहीं प्रकाश फैलाएगा, जो स्वयं राज करने की क्षमता रखता है वह प्रकाश फैलाएगा, तो टी प्रकाश। हम प्रभात की अगर हम बात करेंगे तो प्रभात एन सी केलकर, एन सी केलकर जो है प्रभात के जो है लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, इसको देखिए, पहला है महात्मा गांधी मूकनायक, बाल गंगाधर तिलक जो है यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, कॉमन बंदा भी सेंट लगाएगा तो क्या होगा, बहुत खुशबू आएगा, तो ये तो सुमेलित है। भीमराव अम्बेडकर जो है केसरी, ये भी जो है गलत है, यानी सिर्फ और सिर्फ सी सही है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, सेंट लगाएगा कौन बनता, तो जो है एकदम मजा आ जाएगा सेंट लगाने के बाद, तो ये सही है।
यंग इंडिया, यंग कौन है तो महात्मा गांधी जी है। केसरी के लेखक कौन है, केस, केस किस पे नहीं होता भाई, केसरी में एक शब्द बना केस, याद रखिएगा, केस किस पे नहीं होता तो बच्चों पर केस नहीं होता, बाल पे केस नहीं होता, बच्चों पे केस नहीं होता तो बाल गंगाधर तिलक केस। और मुख नायक के जो है भीमराव अम्बेडकर, मुख नायक, नायक थे एकदम, मुख नायक, मुख नायक भीमराव अम्बेडकर, क्लियर। 51 नंबर देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, डी, यंग इंडिया। अब इसमें एक शब्द बनता है यंग, यंग कौन है भाई, तो यंग है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, ठीक है। केसरी, केस किस पे नहीं होता तो बच्चे पे केस नहीं होता है, तो बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो बाल, बाल मतलब बच्चा, बाल गंगाधर तिलक पे केस नहीं होता है। मीरात उल अखबार, याद रखिएगा, रात में मिलेंगे, किससे मिलेंगे, राम और मोहन जी से मिलेंगे, तो मीरात उल अखबार जो है राजा राम मोहन राय। अगला देखिए, समाचार दर्पण के बारे में बात करते हैं, समाचार दर्पण, तो समाचार दर्पण के जो है कौन है, तो मार्समैन, ये जो है मार्समैन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4123, तो 4123, देखिए 4123 डी नंबर में है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर, इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए दादा भाई नौरोजी ने रक्त गपतूर लिखा था, ये सही है, दादा भाई नौरोजी ने रक्त गपतूर लिखा था, ये सही है। एनी बसेंट, न्यू है, सेंट क्या है, न्यू है, तो न्यू, न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक केस नहीं होता, बच्चे पे केस नहीं होता तो बाल गंगाधर तिलक, इंडिपेंडेंट को बोल रहा है भीमराव अम्बेडकर, जो कि इंडिपेंडेंट जो है ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है, जो इंडिपेंडेंट होते हो क्या करते हैं, मोती का माला पहनते हैं, मोकर मो अति मोती माला, मोतीलाल नेहरू, मोती माला मतलब मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, तो यानी ए गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र, द हिंदू, ठीक है, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों का नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहला है द हिंदू, तो द हिंदू के किसने लिखा था, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है। केसरी, केसरी को किसने लिखे थे, तो केसरी, केस नहीं होता किस पे, बच्चे पे केस नहीं होता, बाल गंगाधर तिलक। बंगाली की बात करेंगे तो बंगाली कहीं ना कहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्लियर। हिंदुस्तानी की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट देखिए सुधारक, सुधारक की बात करेंगे तो सुधार कौन करता है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले जी सुधार कीजिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का डी नंबर, क्लियर। द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर जी है, द हिंदू के लेखक सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। केसरी की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा जी, हिंदुस्तान में गंगा बहती है, गंगा प्रसाद वर्मा, सुधार कौन करेगा, गोखले साहब, क्लियर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है, इसमें देखिए सबसे पहला जो है यंग इंडिया, यंग इंडिया कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने लिखा था, तो ये तो गलत ही है, यंग होते हैं। न्यू इंडिया, न्यू सेंट आ गया, तो ये एनी बेसेंट ने लिखा था, माने अगर हम बात करें तो यंग इंडिया का ये हो गया महात्मा गांधी और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया हो जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो बीजी तिलक है, तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और केस नहीं होता किस पे केस नहीं होता बाबू, केस नहीं होता बाल पे, केस नहीं होता बच्चे पे, केस नहीं होता तो बाल गंगाधर तिलक, यानी ये सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब जिसने बंगाली का जो है समाचार पत्र का संपादित किया था, बंगाली बनर्जी, यानी करेक्ट आंसर सी है, बाकी गलत है, ठीक है। एनी बसेंट, देखिए एक बार और देखिए, एनी बसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक मराठा, बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा भी लिखे थे और केसरी भी लिखे थे। निम्नलिखित में से एनी बसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन कौन थे, तो देखिए दो अखबार की बात किया जा रहा है, कॉमन बंदा, कॉमन बंदा क्या करेगा भैया, सेंट लगाएगा तो उसके बॉडी से भी खुशबू आएगा, तो कॉमन मिल। न्यू इंडिया क्या हो गया, न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया, न्यू सेंट आ गया तो न्यू इंडिया, ये भी हो जाएगा आपका, तो एक दो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो 56 का बी एनी बसेंट। और देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहम्मद अली के बारे में, तो मोहम्मद अली ने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था कॉमरेड, ठीक है, दो नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रह्म बांधव उपाध्याय की बात करते हैं, तो उपाध्याय क्या करते हैं, हम लोग संध्या में करते हैं, तो उपाध्याय का जो है संध्या, चौथा, ठीक है। अरविंद घोष, घोष रहा है, क्या घोष रहा है भाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम घोष रहा है, तो यानी बी का 3 हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल जो है न्यू इंडिया, साथ ही साथ न्यू इंडिया जो है एनी बसेंट बी से रिलेटेड है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का ये, उसके बाद बी का 3,
एंड सी का 4, एंड सॉरी 1 का 1 है, बी का 3 है, सी की बात करेंगे तो सी के 4 है एंड डी के 2। तो 57 का घटक निकल जाएगा, एक नंबर आपका 1342, ठीक है ये नंबर। अगला देखिए 58 नंबर में, क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार दिया हुआ, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 के कलकत्ता से हुआ था। तो वंदे मातरम का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से, कब हुआ था, 6 अगस्त 1906, 6 अगस्त, अच्छा, 6 अगस्त 1906 ईस्वी को। और 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल जो है इसके संपादक थे, बिपिन चंद्र पाल थे। फिर उसके बाद आता 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक, जिसके अरविंद घोष इसके संपादक थे। मतलब पहला संपादक किस कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल, पहला संपादक बिपिन चंद्र पाल, और दूसरा संपादक जो है कहीं ना कहीं अरविंद घोष हुए, ठीक है। तो याद रखिएगा वंदे मातरम का जो है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। एक चीज़ और याद रखिएगा कि लेकिन बाद में वंदे मातरम क्या बोल रहा है कि समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया, पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ था। तो पेरिस से वंदे मातरम जो हुआ था जिसके संपादक थे लाला हरदयाल, क्लियर। तो पेरिस से लाला हरदयाल प्रकाशक थे और वितरण कार्य मैडम भाकी जी कामी ने किया था। 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि वंदे मातरम का जो संपादन हुआ था इसके संपादक जो थे सबसे पहले हुआ था कलकत्ता से, तो कब हुआ था, 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक, जिसके संपादक रहे बिपिन चंद्र पाल। फिर 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष हुए थे। फिर बाद में क्या किया गया, इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया, तो वंदे मातरम नाम से पेरिस में जो है इसके प्रकाशित हुआ जिसका संपादक था लाला हरदयाल। दस रोज पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किए थे, दस रोजा पत्रिका। तो करेक्ट का आंसर हो जाएगा 59 का जो है बी नंबर, अब्दुल गफार खां। अब्दुल गफार खां ने दस रोजा पत्रिका निकाली थी। तो दस रोजा, दस रोज, दस रोज, अब्दुल गफ है भाई, दस रोज से बहुत गफ है यार तुम तो, दस रोज से बहुत ज़्यादा गफुआ गया है, क्या हो गया है, गफुआ गया है, दस रोज से देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गफुआ गया है, गफुआ से अब्दुल गफार। सूची 1 से सूची 2 को मिलाने के लिए बोल रहा हूँ। अगला देखिए, कुछ समाचार पत्र है और इसका एडिटर है। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, 60 का जो है बी नंबर हो जाएगा। इसको ट्रिक से देखते हैं, सबसे पहले है एस ए डांगे, एस ए डांगे जो है कहीं ना कहीं सोशलिस्ट है, एस ए डांगे, डांगे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद, अहमद जी जो है नवयुग से रिलेटेड है। गुलाम हुसैन इनकलाब। एम सिंगर वेलू जो है लेबर किसान गजट से, ठीक है, एम सिंगर वेलू लेबर किसान गजट से। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो बुद्धिजीवी जो है आकर्षित किया, सही है, नगरीय उच्च जातीय भी सही है, उदर रजवाड़े सही है, लेकिन निधर साधारण वर्ग कहीं ना कहीं, ठीक है, ये जो है आकर्षित नहीं हुए, यानी 1, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो 1, 2, 4 डी नंबर में। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान था। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया, निर्धन और सर्वधर्म वर्ग के इन आंदोलन में लगभग अप्रभावित ही रहा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल बुद्धिजीवी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो 2 का करेक्ट आंसर है बी नंबर, बी नंबर मतलब ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। मतलब 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ और सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल बुद्धिजीवी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथवा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार मानते थे, माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया।
पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? सी नंबर शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। ठीक है, शिक्षित हिंदू वर्ग को, शिक्षित जो हिंदू मध्यम वर्ग था जिसको पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं बी नंबर राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राम जी के, राय जी के बारे में समझिए। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। बीबी यही मारिएगा। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, ये सारी चीज़ें जो है राजा राम मोहन राय को। 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। तो करेक्ट आंसर जो है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, राजा राम मोहन राय था। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। बीपीएससी 2011 में पूछा गया भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? 7 का डी, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, राजा राम मोहन राय भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी किसे माना जाता था? सबसे में क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थे। हाँ, देखे, ब्रह्म समाज, दूसरा ब्रह्म सभा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आत्मीय सभा। अब मान लीजिए आत्मा से जो है आपका प्राण निकल जाएगा तो मोह माया क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आत्मा से प्राण निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा तो क्या होगा? मोह माया खत्म हो जाएगा। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब? 1815 ईस्वी में। यह प्रथम संस्था थी राजा राम मोहन द्वारा स्थापित, यह प्रथम संस्था थी। कौन सी संस्था? आत्मीय सभा। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मीय सभा। तो आत्मा से प्राण निकल जाएगा तो क्या होगा? मोह माया खत्म हो जाएगा। मोह माया यानी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था नहीं पूछ रहा है कि कब हुई थी, बीपीएससी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी हटाई से। हटाई से ब्रह्मा के पास जो है, अगर मोह माया चला जाएगा, ब्रह्मा के पास अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? अगर ब्रह्मा के पास प्राण निकल जाता है तो मोह माया खत्म हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्म सभा बोलिए, ब्रह्म समाज बोलिए, ये जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। क्या किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना हटाई से, हटाई से 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? बीपीएससी 2005 में भी पूछा गया। करेक्ट आंसर 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना एमपीपीसीएस। भाई ब्रह्मा के पास मोह माया अगर अपना प्राण निकल जाता है, ब्रह्मा अगर प्राण ले जाता है तो क्या होगा? मोह माया खत्म होगा। राम मोहन राय। क्लियर। तो हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा का बहुत प्रभाव था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में हुआ था। देखिए, ब्रह्म समाज पहले ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किए थे। बाद में ये जो है ब्रह्म सभा से ब्रह्म समाज बन जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे 16 का सी राजा राम मोहन राय।
नेक्स्ट, राम मोहन राय के राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, करेक्ट आंसर जो है बी नंबर, अकबर द्वितीय ने। तो राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। तो क्लियर है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में देखिए एक चीज़ और, कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1833 ईस्वी में विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली, एक चीज़ और देखिएगा क्या है, कि सम्राट से राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करने थे। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहाँ उनकी समाधि स्थापित हो गई। क्लियर। मतलब क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था किसने? मुगल बादशाह था एक अकबर द्वितीय, और एक अपना दूत बना करके जो है इंग्लैंड भेजते हैं बात करने के लिए कि हमारी पेंशन बढ़ाया जाए। किसकी पेंशन? तो आपका अकबर द्वितीय की पेंशन, मुगल सम्राट की पेंशन, ठीक है, बढ़ाने के लिए गया। लेकिन जाते के क्रम में ही वहीं पे इंग्लैंड पहुंचने के बाद इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि भी स्थापित की गई है। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हुई थी, कब? 27 दिसंबर 1833। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दिया था और इंग्लैंड भेजा था, ताकि जो है अकबर द्वितीय का या मुगल सम्राट का पेंशन बढ़ाया जा सके, और इंग्लैंड में जाने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है 1833 ईस्वी में, 27 दिसंबर 1833 को। क्लियर। राजा राम मोहन राय की समाधि है, पूछ भी दिया। तो ब्रिस्टन इंग्लैंड में क्या करने गए थे? इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में यही करने गए थे कि मुगल सम्राट की पेंशन बढ़ाने के पर्पज से, और इनको राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 1 2 3 दिया हुआ, लिख रहा है केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी केवल दो तीन। दो तीन का मतलब हो जाता है आपका कि टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एंड टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, जो कि जिसकी स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। क्लियर। चलिए दो तीन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्मा भगवान के पास अगर आपका मोह माया चला जाता है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, देखिए ब्रह्मा भगवान जो है आपका आत्मा निकाल लेता, प्राण निकाल लेता, तब तो आपका मोह माया तो खत्म हो जाता है ना, मोह माया से राजा राम मोहन राय। तो ये तो गलत हो गया ना, सी नंबर केशव चंद्र सेन। देखिए यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म समाज के बारे में पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा इसको VVI मारिएगा, इसको VVI। अगर पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो अपन याद रखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, कि ब्रह्मा के पास अगर प्राण चला जाए तो क्या होगा, मोह माया खत्म हो जाएगा। तो मोह माया खत्म हो जाएगा तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। लेकिन इसी में अगर भारतीय जोड़ देता है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था या संस्थापक थे, तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन। अब भाई 100 पर हुआ ना, भारतीय ब्रह्म समाज। अब मान लीजिए कोई भारतीय है और ब्रह्मा के पास उसका प्राण चला गया, तो क्या होगा, एक तरीके से 100 बन जाएगा, केस हो जाएगा उस पर, 100 बन जाएगा, केस हो जाएगा, तो केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, जबकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक देववाद पर।
देखिए 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज का स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवादी की उपासना, मूर्ति पूजा का जो है विरोध करना तथा अवतारवाद का खंडन। ठीक है, ये चीज़ें सब था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन प्रस्ताव शिक्षा का विरोध नहीं किया। यानी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, प्रस्ताव शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उत्तरवादी पश्चात शिक्षा ही अज्ञान से अंधकार से हमें निकाल सकती है। मतलब वो शिक्षा के विरोध में नहीं थे, बाकी बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा ये सब के विरोध में थे। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय ने या राम मोहन राय ने मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का जो है बी नंबर, समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में भावनी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका पत्र का प्रकाशन किया। तो जो राजा राम मोहन राय का धार्मिक सामाजिक विचार थे उसके विरोध में एक शख्स थे जिनका नाम था भावनी चरण बंदोपाध्याय। क्या नाम था? भावनी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन किया था। और ये क्या नाम है उनका, बंदोपाध्याय, ये पूर्व में जो है संवाद कौमुदी के संपादक भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना अगर हम बात करेंगे, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था और इसने इस सिद्धांत को प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है। तो ये तो गलत है, एक दो सिर्फ सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। एक केशवरवादी पर विश्वास व हिंदू धर्म को क्रोतियों से मुक्त कराना था। पहला, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों का वर्चस्व पर कुठारघात, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना, ये मेन इनका मकसद था। तीन, अगला क्वेश्चन देखिए कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदुवाद, न्यू हिंदुइज्म, नया हिंदुवाद आ गया, नव हिंदुवाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 26 का बी नंबर, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 26 का बी। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने के श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा को साधारण भाषा में वर्णन किया था। किसका? रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा को साधारण भाषा में वर्णन किया स्वामी विवेकानंद। इस नवीन हिंदू धर्म यानी न्यू हिंदुज्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो। कब गए थे? 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, जहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद हुआ था, जिसमें अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद का नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो नव हिंदुवाद किसने, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी। और शिकागो कब गए थे? 1893 ईस्वी में। कहाँ पे गए थे? तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद। ठीक है, और भाषण दिए थे वहीं पे। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? तो करेक्ट आंसर 1893, जो कि स्टार लगा हुआ 1893, याद रखिएगा। अठारह सौ तिरानवे में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। तो विश्व धर्म संसद में भाग लिया था
स्वामी विवेकानंद जी ने, वो जो शिकागो गए थे वहीं पे। तो 30 का करेक्ट आंसर 1893। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद गए थे 1893 में, बीपीएससी 2020 में पूछा गया। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत की बात कर रहा, तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे डी नंबर विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। व्यवहारिक वेदांत इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रैक्टिकल वेदांत था, जिसके प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। तो इसके बारे में देखिए, विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, व्यवहारिक वेदांत इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वेदांता पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को, 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था किसने? तो ये दिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? ज्ञान योग कर्म योग राजयोग। नंबर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया था। तो याद रखिएगा, 1893 ईस्वी में शिकागो गए, 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन, भाई राम और कृष्ण मिल जाएगा तो क्या होगा, एकदम अच्छे अच्छे विवेक आ जाएगा, एकदम विवेक बढ़ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद कब? 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की, ठीक है। रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के वेलूर के मुख्यालय में खोला गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर में मुख्यालय खोला गया। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो कलकत्ता के वेलूर में। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? 35 सी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में किसने किया? तो करेक्ट आंसर 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, और ये जो है कलकत्ता का वेलूर में इसका मुख्यालय खोला गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। शारदामणि कौन थे? शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, 2005 में पूछा गया बीपीएससी में। शारदामणि मुखोपाध्याय, जिन्होंने शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए। शारदामणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस के 5 वर्ष की उम्र में, 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ। तो बहुत अजीब घटना है यार। शारदामणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 साल की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है, मतलब 5 साल की उम्र में जो है शादी हुआ था। तो इसके बारे में समझिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। तो ये बात तो वही बोल सकता है जो ज्ञानी व्यक्ति हो, जिसके पास विद्या हो। तो ये विद्या सागर ने बोला था। विद्या सागर से किसी बंदे ने पूछा कि ईश्वर है कि नहीं है, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये करेक्ट आंसर स्वामी ईश्वर चंद्र विद्या सागर का है, ठीक है। 40 का डी नंबर। ब्रिटिश समाज पूरी तरह से सड़ चुका है और इस तरह से भ्रष्ट अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया था? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है। तो किसने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी और हीन है? तो सिस्टर निवेदिता उनका नाम था। क्या नाम था? निवेदिता, जो कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब जिसका आय कम होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? आय जिसका कम होगा तो आय कम होगा उस पर दया आएगा। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। एक चीज़ और देखिएगा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर।
तो मूल शंकर ने जो है, मूल शंकर या दयानंद सरस्वती साथ में पंच मारेंगे, तो 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, उनका मूल नाम मूल शंकर था, और कहाँ पर स्थापना किए थे? बम्बई में। और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसके उपरांत जो है आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्य समाज जिसका आय कम होगा उस पर दया आएगा। दयानंद सरस्वती, उनका मूल नाम मूल शंकर था, और 1875 ईस्वी में जो है आपका बम्बई में स्थापित किया गया था। आर्य समाज का स्थापना वर्ष 1875 किसने किया था? दयानंद सरस्वती, मूल नाम मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद, ये जो है बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। दयानंद सरस्वती, उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। कहाँ पर स्थापन किए थे? ये महाराष्ट्र में किए थे, और कब किए थे? 1875 ईस्वी में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों का पुनरुत्थान कौन करेगा? जिसके पास दया हो, स्वामी हो, तो स्वामी हो, दया हो, वही जो है पुनरुत्थान करेगा। तो वेदों का पुनरुत्थान जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। बाकी और देखिए कि उत्तर वैदिक काल में आज तक सभी मत, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों को भारत का आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका है, ये चीज़ है। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक चीज़ और याद दे रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक और सुधारों के प्रयास के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्लियर। अगला देखिए, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती जी बोलेंगे ना वेदों की ओर लौट चलो, भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। 47 के स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर जो है डी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही की गई थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनके बारे में थोड़ा सा समझिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत यानी कठिवारा क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था उनका जन्म। तो मूल शंकर स्वामी दयानंद का सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 18 साल का लड़का चौबे जी थे, तो 18 साल का लड़का चौबे जी थे 1824 ईस्वी में। गुजरात के कहाँ पे? कठिवारा क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। स्वामी उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति आगदा श्रद्धा प्राप्त किए। पखंड खंडनी पताका लहराई किसने? 1867 ईस्वी में पखंड खंडनी पताका लहराई स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना थी, तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ई इनमें से कोई नहीं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो करेक्ट आंसर जो है ए नंबर होगा, आर्य समाज के, जिसके लेखक है दयानंद सरस्वती। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? 52 सी स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन के समर्थक किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, ये करेक्ट आंसर आर्य समाज।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हुए हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। किसने? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। नीचे दिए गए कथन में से आपको सही और गलत बताना। कथन और कारण। आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। बी नंबर, देखिए आर्य समाज आंदोलन के श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों कमजोर होगी कमजोर किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। मतलब आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था, सही है। साथ ही साथ आर्य समाज आंदोलन को श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ें को कमजोर किया, दोनों सही है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, उनका मूल नाम मूल शंकर था, ठीक है। वो बंबई में किया था, कब किए थे? 1875 ईस्वी में। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 55 का सी नंबर, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता का एक अभिशाप मानते थे। विदेशी दासता का क्या मानते थे? अभिशाप मानते थे। और स्वतंत्रता लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वो कहते थे, क्या कहते थे, कि बुरे से बुरे देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। बुरे से बुरा देसी राज्य जो है अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीए मारिएगा इसको, कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माने थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम सजाइए। तो एक नंबर में सबसे पहले तो तुलसीदास आ जाएगा, दूसरा राजा राम मोहन राय जी, चौथा दयानंद सरस्वती और तीसरा स्वामी विवेकानंद। तो 1, 2, 4, 3 करेक्ट आंसर 57 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे डी नंबर, महादेव गोविंद रानाडे। कैसे याद रखेंगे? पर डे आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पर डे से महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा से आत्माराम पांडुकर, ठीक है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 ईस्वी में, ये याद रखिएगा कि 1867 ईस्वी में बम्बई में तो बम्बई में किसने स्थापित किया था प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुकर द्वारा की गई थी, जबकि महादेव गोविंद रानाडे ने 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसका मुख्य संचालक बने थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध क्या क्या था? देखिए जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे को सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। तो क्लियर है। तो देखिए प्रार्थना समाज के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा कि दो लोग थे, पर डे आत्मा से प्रार्थना करेंगे, तो आत्माराम पांडुकर, और पर डे से जो है MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, इसकी स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में बम्बई में। जो है किसने किया था? आत्माराम पांडुकर। सबसे पहले आत्माराम पांडुकर जी के बाद 1869 ईस्वी में ये जुड़े थे, और आत्माराम पांडुकर जो है केशव चंद्र सेन, किसके? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? अब महाराष्ट्र बोल रहा है, तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? MG रानाडे ने भी किया था, आत्माराम पांडुकर ने, तो महाराष्ट्र बोल रहा है, तो यानी आत्माराम पांडुकर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? तो पर डे प्रार्थना क्या करेंगे? पर डे प्रार्थना करेंगे आत्मा से, तो पर डे से जो है
एक तो पर्डे से जो है एमजी रनाडे हो जाएगा, डे से एमजी रनाडे और आत्मा से आत्माराम पांडु करते, यानी 60 का यहाँ। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन था? तो करेक्ट आंसर जो है, अगर आत्माराम पांडुकर नहीं दे रहा है तो अपन एमजी रनाडे बोल सकते हैं, यानी एक सेट का भी है। देव समाज के संस्थापक में से कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक करेक्ट आंसर जो है शिव नारायण अग्निहोत्री। देव, देवलोक क्या होता है? देव कौन है? शिव है, शिव भगवान। देव के देवों को देव महादेव, देवों को देव महादेव शिव। तो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। तो देव समाज की स्थापना देवों के देव महादेव शिव नारायण अग्निहोत्री कब किया था? 1887 ईस्वी में लाहौर में। इस समाज के उपदेश को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता, ये सब रिलेटेड जो दिया गया है, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? 73 ईस्वी में, 1873। इसको देखिए, जो बंदा सपोज कीजिए सत्य का शोध कर लेगा, सत्य का खोज कर लेगा, शोध कर लेगा, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ज्योति खिलने लगेगी, तो ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने, बी नंबर। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म ज्योतिबा फुले के बारे में देखिए, 1827 ईस्वी में इनका जन्म माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के द्वारा पखंड ब्राह्मण उनमें असर अवसरवादी धर्म ग्रंथों में निम्न जातियों का रक्षा का आवश्यकता पर बल दिया। तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने, और उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 65 का करेक्ट आंसर ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले सत्य शोधक आंदोलन चलाया था। तो करेक्ट आंसर ज्योतिबा राव फुले, सी नंबर। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य का शोध कर लीजिएगा तो ज्योति खिलने लगेगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों को जो है उत्थान का मतलब आगे बढ़ाना, किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो करेक्ट आंसर बी नंबर, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा खिले। गुलामगिरी की रचना भी किसने किया था? ज्योतिबा फुले जी ने। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना, एक बार और देखिएगा इसको कि 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्य शोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्य शोधक समाज इन सब से अलग एक विशेषता, इसमें उच्च वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। उच्च वर्णों और श्रेणी जो है मतलब ऊंचे लोग थे, और जो पिछड़ी जाति थे उनके बीच में विद्रोह प्रमुख था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। कहाँ किए थे? पुणे महाराष्ट्र में किए थे। कब किया था? 1873 ईस्वी में किया था। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया था? मतलब सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 की, ये राधाकांत देव, ठीक है। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। तो धर्म सभा की स्थापना किसने किया था?
तो ये किए थे राजा राधाकांत देव ने। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी शिव दयाल साहब थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, गोपाल हरि देशमुख। जो हरि होगा, भगवान होगा, वही तो लोकहितवादी होगा। तो महाराष्ट्र के सुधारक थे जिसको लोकहितवादी कहा जाता है, उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी से उपनाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर 75 का जो है गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विधवाओं का पुनर्विवाह जिसमें अभियान हुआ था उसका नेतृत्व। 76 करेक्ट आंसर इज ए नंबर, विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व, तो प्रथम अभियान जो हुआ था जिसका नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 ईस्वी में विंडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी किया था। तो ये क्वेश्चन ये भी बनेगा कि विंडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो उनका नाम क्या था? विष्णु परशुराम पंडित। एक चीज़ और याद रखिएगा, मालबारी, क्या नाम है उनका? बी एम मालवारी याद रखिएगा, जो कि बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। तो समाप्त करने की बात किसने किया था? मालवारी ने। और महाराष्ट्र में उधर विधवा पुनर्विवाह जो है किसने, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह उनका नाम क्या है? तो परशुराम पंडित। ठीक है, क्लियर हो गया कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान विष्णु परशुराम पंडित ने और बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने की बात किया था, जिनका नाम है बाल विवाह प्रथा को संवैधानिक रूप से समाप्त, मालवारी में। उन्नीसवीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो पारसी समाज सुधारक थे आपका बहराम जी एम मालवारी। मालवारी ने जिसने उन्होंने और क्या किया था? ये जो बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने की भी बात किया था। ठीक है, तो बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने की बात किया था आपका पारसी समाज सुधारक ने, उनका नाम क्या था? बहराम जी मालवारे। उन्नीसवीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालवारे थे। उनका जन्म जो है बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में, विधवा विवाह के समर्थन यानी याद रखिएगा, विधवा विवाह का समर्थन किए थे और बाल विवाह के खिलाफ में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी में समिति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में, जिसके समिति आयु अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, सम्मति आयु अधिनियम या एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसके जो है किनके जो है प्रयासों से जो है पारित हुआ था, तो उनका नाम है बहराम जी ए मालवारी। मालवारी मालवारी द एज ऑफ कंसल्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 ईस्वी में किसके जो है ये प्रयासों से, तो उनका नाम था मालवारी। इसको पढ़िए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका महादेव गोविंद रानाडे।
79 करेक्ट आंसर जो है महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, अब हम इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट, सर्वेंट को क्या कहते हैं? गो गो खा ले, गो खा ले, गो खा ले, गो 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 खा ले, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस कौन करेगा? एकदम जोश में करेगा सोशल सर्विस वाले लोग काम, तो यानी NM जोशी, सेवा समिति भाई कुंजरू करेंगे ना, सेवा समिति, तो सेवा समिति जो कुंजरू, जबकि डी नंबर जो है गलत है, तो डी करेक्ट आंसर। इक्यासी नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के गठन का मेन कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारकों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से बोला कौन सा कथन सही है? तो इसमें कहीं ना कहीं आपका 3-4 सही है, बाकी गलत है। ठीक है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, तो ब्रह्म समाज 100 ठीक है, नारी शिक्षा के लिए। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोच्च समाज की स्थापना की, यानी 3-4 सही है, डी नंबर 3-4 सही है। ठीक है, चलिए, आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि 1875 ईस्वी में मुंबई में था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने, उनका मूल नाम मूल शंकर था, ये जो है 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। अगला दूसरा पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, लाला लाजपत राय जो थे ये वेदों के आप प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था, उन्होंने विरोध नहीं किया। तीसरा पॉइंट, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये सही है। चौथा पॉइंट, विनोबा भावे ने भारतीय के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था, तो सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था? विनोबा भावे ने, ये सही है। ठीक है, और आज समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, तो एक दो गलत है जबकि 3-4 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, इसको कूट में सजाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, एक बार और देखें, अठारह सौ छप्पन ईस्वी में जो है धार्मिक अक्षमता कानून यानी रिलीजियस डिजेबिलिटी एक्ट कब लागू किया गया था? 1856 द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए नागरिक अधिकारी की रक्षा का प्रावधान किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून अधिनियम जो लगा गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इंग्लिश में बोला जाता है, ये लागू किया गया था 1856 ईस्वी में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया था। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री। 1899 ईस्वी में डी के कर्वे ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना किया था। डलहौजी के राज्य हड़पने की सिद्धांत 1848 ईस्वी में प्रस्तुत किए गए थे, ये चीज रहने दीजिए। चलिए अगला देखिए, 84
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856। पश्चिम भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में जोड़ा जाता है? पश्चिम भारत के किनका डीके कर्वे? तो 85 का हो जाएगा आपका CND। स्त्री शिक्षा से रिलेटेड भी है और विधवा पुनर्विवाह से भी डीके कर्वे, जो कि पश्चिमी भारत के नाम जोड़े जाते हैं। 85 डी सी डी। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? तो उनका नाम 86 ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह की मान्यता दी गई है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1826 ईस्वी में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी नंबर जो है सही नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये तो गलत है ना। अगला देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा। सन 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक्स ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। तो सती प्रथा पर रोक कब लगाया गया? 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। पहला सही है। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 56 इंच का सीना 1856। ठीक है, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में, आर्य समाज की। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, तो ये 1875 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समर्थक थे, ये गलत है। डी गलत है, बाकी सब सही है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। उन्हीं के प्रयासों के फल था कि 1829 ईस्वी में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी ने ही सती प्रथा पर विशेष जोर दिया, प्रबल विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा जो है उसको जो है जलाना बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1843 एक्ट 5 ने किस बात का गैर कानूनी बना दिया? 88 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुलामी। गुलामी को जो है गैर कानूनी बना दिया। डॉक्टर एलन बलो के द्वारा 1843 ईस्वी में गुलामी या दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया था। 18 दास प्रथा का खत्म किसने किया था? तो ये एलन बरो के द्वारा 1843 ईस्वी में, यानी गुलामी को जो है गैर कानूनी बना दिया गया 1843 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो नेटिव मैरिज एक्ट कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का सी नंबर, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो नेटिव मैरिज एक्ट, नाती बोलते हैं ना अपन, ट्रिक क्या बनाए थे, नाती मैरिज एक्ट। तो नाती साथ दो 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने तो 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़की के विवाह की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी की थी? तो 14 साल। एक चीज और पढ़े हैं कि एक पारसी सुधारक थे, कौन थे पारसी सुधारक, जो कि कहाँ के थे आपका? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर के थे पारसी सुधारक, जिसका नाम था BM मालबरी।
इन्होंने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इनके जो है प्रयासों के फलस्वरूप, प्रयत्नों के फलस्वरूप लागू किया गया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। समिति आयु अधिनियम के नाम से इनको जाना जाता है, समिति आयु अधिनियम भी बोलते हैं। तो समिति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था, क्योंकि ये गलत है ना, 12 वर्ष से कम आयु, 12 वर्ष कर दिया है, तो 1891 ईस्वी जो है इनका विरोध किया। देखिए 1872 ईस्वी में, जिसमें हम लोग नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट लागू किया गया था, जिसमें 14 वर्ष से कम कन्याओं को जो है ये, और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के, 14 वर्ष से कम आयु की कन्या और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह वर्जित कर दिया गया था। साथ ही साथ बहुपति बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है, परंतु यह हिंदू मुस्लिम और अन्यतम मान्यता धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता, इसके भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन एक पारसी सुधारक भी थे जिसका नाम था मालबारी, उन्होंने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू करवाया और उसमें जो है 12 वर्ष से कम एज के लड़कियों का जो है विवाह करना जो है बैन किया गया था। तो इस पे जो है विरोध किए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, समिति अधिनियम को जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एम मालबारी थे। बरहाम जी मालबारी एक पारसी थे, इन्होंने इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन भी किया था। तो वॉइस ऑफ इंडिया जो है क्या है, वॉइस ऑफ इंडिया मालबारी मालाबारी मालाबारी बोलेगा, और इंडियन स्पेक्टेटर, इंडियन स्पेक्टेटर या वॉइस ऑफ इंडिया जो है ये मालाबारी ने किया था। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसमें 12 वर्ष कर दी गई थी लड़कियों के शादी का एज, मतलब 12 से कम नहीं होगा, 12 से ऊपर का हो जाएगा। शारदा एक्ट अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितने थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, 14 साल 18 साल। देखिए 1929 ईस्वी में अजमेर के एक निवासी थे जिनका नाम था डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया, उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 साल, लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिए गए थे। तो किसके? हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से 1929। शारदा एक्ट संबंधित है 1929 बाल विवाह से 14-18। थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना किसने किया था? तो सोफी नाम की जो लड़की है वो कहीं ना कहीं एकदम बल ब्लावेस्ट की है, ब्लावेस्ट की है, तो याद रखिएगा ये 95 का ही है। तो 94 नंबर है कि शारदा एक्ट संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर जो है मैडम ब्लावास्टकी था, और कर्नल अलकाट का नाम करके सही था। तो सोफी नाम की क्या है? ब्लावास्टकी है, सोफी नाम की लड़की ब्लावास्टकी है। तो ये नंबर, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला थे पी ब्लावास्टकी, और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट, ठीक है, और विलियम क्वान जज इस द्वारा जो की गई थी, अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसी सोसाइटी के संस्थापक, इस सोसाइटी के संस्थापक जो है 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडैयर नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास जगाना और प्रधानता धर्म की चीज़ है। यहाँ तक 2 पॉइंट और देख सकते हैं, या ऐसे पीछे भी बन पड़े हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। क्लियर? चलिए, तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है, थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी अलकाट के कारण
व्यसन के कारण। तो याद रखिएगा, भारत में अगर पूछेगा तो एनी व्यसन के कारण। 1879 ईस्वी में कर्नल अल्काट मेडर ब्लास्ट की भारत आए थे और मद्रास में अडेयर के पास थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना की। श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्यता बनी थी। 1893 ईस्वी में भारत आकर के उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना, थियोसोफी ब्रह्म विद्या। तो इतना अपन सिर्फ इतना जानेंगे कि इसकी स्थापना जो किया था कर्नल अल्काट ने किया था, मैडम ब्लावेटस्की ने किया था, ब्लावेटस्की ने किया था, लेकिन इसकी सफलता मुख्यतः हुआ था इनोवेशन के कारण। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए, ब्रह्मा के पास अपना जो है आत्मा चला जाएगा, अगर प्राण चला जाएगा तो मोहमाया खत्म हो जाएगा। राजा राम मोहन राय। आर्य समाज में एक शब्द बनता आय, और जिसका आय कम होगा उस पर दया आएगा, तथा स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किया था यह मैडम ब्लास्ट ब्लावेस्टकी और कर्नल अल्काट था, लेकिन ये महादेव गोविंद रानाडे बोल रहा है जो कि गलत है। चलिए देखते हैं 98 नंबर, 98 नंबर में क्या है इसको देखते हैं। 98 का क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज, तो पर डे आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तो ये रनाडे ने किया था। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय। आर्य समाज, जिसका आय कम होगा इस पर दया आएगा, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन का जो है, रामकृष्ण परमहंस नहीं है बल्कि विवेकानंद है। ठीक है, तो यानी क्या क्या हो जाएगा देखिए, पहला का द, उसके बाद जो है दो के ब, अ द अ हो गया, उसके बाद तीन के स, ठीक है, चार के बात करेंगे तो चार के ब, द अ स ब, द अ स ब, किसमें भाई, ये देखिए टी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुफिल सुमेल नहीं है, आर समाज, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावेस्टकी और कर्नल अल्काट ने किया था, बाद में इन्हें बेसेंट भी इससे जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं 99 का बी गलत होगा, तो 99 का बी गलत है। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण मिशन का जो है, देखिए रामकृष्ण मिशन का रामकृष्ण परमहंस नहीं है बल्कि कौन है रामकृष्ण मिशन का, तो रामकृष्ण मिशन का जो है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कौन है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, विवेकानंद जी हैं। ठीक है, बाकी थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावेस्टकी कर्नल कर्नल अल्काट है, और साथ में बेसेंट, लास्ट में बेसेंट भी गई थी। ब्रह्म समाज ये सही है, ये सही है, क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो प्रार्थना, तो पर डे आत्मा से प्रार्थना करेंगे, तो ये तो सही है। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर और राधा स्वामी सत्संग, तो इसका देखना पड़ेगा बी डी में कौन ऑप्शन है, तो बी गलत है। ठीक है, बाकी राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, राधा स्वामी सत्संग के जो है संस्थापक बोल सकते हो, तो तुलसीराम, ये भी सही है, तो कहीं ना कहीं बी गलत है। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना जो है, देखिए आत्मीय सभा की स्थापना जो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय जी ने किया था, किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, बाकी सब तो सही है। चलिए, और राधा स्वामी सत्संग से संबंधित जो है परम संत तुलसीराम है, राधा स्वामी सत्संग से संबंधित परम सत्संग, ये राधा स्वामी सत्संग से परम संत तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए कि इसको मिलाना है आपको, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो पहला है ब्रह्म समाज के बारे में बताइए,
तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो ब्रह्म समाज कहीं ना कहीं आपका, इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था कोलकाता में। ठीक, मानव धर्म स्वभाव। भाई मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है किसी का सूरत देखना। मानव का धर्म है किसी का सूरत देखना, तो सूरत आ जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती कहाँ पे किए थे? बम्बई में किए थे। नदवा उलमा जो है बेसिकली ये लखनऊ से रिलेटेड है। क्लियर, तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214। 3214 कौन नंबर पे आपका? देखिए 3214 डी नंबर पे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था जो कि कलकत्ता में किया था। ठीक है, मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना हटाई से 1875 ईस्वी में, जो कि आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई थी, इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों में अत्यधिक प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था? तो दो, अच्छा, जूरी अधिनियम 1826 ईस्वी में जिसका घोर विरोध किया था? बी नंबर, राजा राम मोहन राय ने जी। ठीक है, जूरी एक्ट पारित किया गया था जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत की गई। तो जूरी अधिनियम के क्या किया गया कि न्यायालय में जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत की गई, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब घनघोर विरोध किए थे किसने? राजा राम मोहन राय ने। चलिए इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, तो इसको मिलाते हैं। सबसे पहले प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं? पर डे से डे यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए पर डे आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तो आत्माराम पांडुकर और महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य का शोधक समाज, जो सत्य का शोध कर लेगा वो उसके मुंह में जो है कहीं ना कहीं ज्योति खिलने लगेगा, तो ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस नहीं है, राम स्वामी विवेकानंद जी हैं। मोहम्मदल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसकी जो है ये सर सैयद अहमद खान ने स्थापना किया था, यानी 2-1-2-1-4-3। ठीक है, 2-1-4-3 सी नंबर में है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं, ऐसे पीछे भी अपन देख चुके हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुकर 1867 ईस्वी में बम्बई में किया था, और महादेव गोविंद रनाडे 2 साल के बाद जो 1869 ईस्वी में उसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आत्माराम पांडुकर ने ही किया था आपका प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किए थे? 1897 ईस्वी में। सत्य शोधक की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो गोविंद रनाडे जी तो है, लेकिन इसमें डेट जो है देखिए, तो 104 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1870 ईस्वी में। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने किए थे। इस संस्था के अन्य सदस्य में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद कलेकर, गोपाल हरिदेशमुख, जीवी जोशी शामिल थे। तो पूना क्या बोलते हैं? पूना सार्वजनिक सभा। भाई 70 रुपये में पूना सार्वजनिक सभा, पूना मोना बोल सकते हो ना। तो सभा में शामिल होने के लिए, पूना सार्वजनिक सभा में शामिल होने के लिए 18 साल के बच्चे को 70 रुपये का चार्ज लगता था। कितना? 18 साल के बच्चे को 70 रुपये का चार्ज। तो 1870 ईस्वी में BBC 2020 में पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कला था। तत्वबोधिनी सभा जो है केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सही नहीं है। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी डी करेक्ट है, बाकी जो है गलत है। सत्यशोधक समाज जो है इसका कहीं ना कहीं यह सत्यशोधक ज्योतिबा फुले है। तत्वबोधनी, तत्व का बोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे इसके देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज ये भी जो है आपका ये है। तो देखिए
डी है करेक्ट आंसर, क्लियर। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1 चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे वीवीआई पॉइंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है एक चीज और यहाँ से देखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी की सभा की स्थापना किया था, क्लियर। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। अगला है कि एम सी तलवारा बी एन राव अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का डी नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसके जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसके अलावा ये सभी जो है सदस्य थे। तो 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया, भारत सेवक मंडल भी बोल सकते हैं हिंदी में, या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था। ठीक है, इसमें श्रीनिवास शास्त्री जी के, देवधर, एन एम जोशी पंडित, ये सब चीज़ें जो थे ये सारे लोग थे यहाँ पे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया, तो करेक्ट आंसर 1905। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे, तो 108 का जो है बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, सेवक समाज की बात कर रहा, तो भारत सेवक समाज की स्थापना किया था आपका सी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बीपीएससी 2019 में पूछा गया है भारत का सेवक समाज कौन करेगा, गोपाल 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 जी करेंगे, गोपाल जी करेंगे भारत सेवक समाज की स्थापना। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो करेक्ट आंसर 112 का जो है बी नंबर, मुकुंद राव पाटिल। 1910 में उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर के मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव यादव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की, तो बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था, मुकुंद राव पाटिल ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1890 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नडार। ठीक है, मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, नडार। नडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1890 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को शान करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। 114 का बी बाल गंगाधर तिलक जी बोलते थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे, तो याद रखिए किसने बोला था कि छुआछूत के उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ठीक है, तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य के नाम से या भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह कहते थे, क्लियर। चलिए इसको मिलाते हैं, राजा राम मोहन राय जी ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म का सूक्ष्म रूप उपनिषदों में निहित है, क्लियर। केशव चंद्र सेन यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए,
दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने ये दिया था कि हिंदू धर्म को पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से ही है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना किए थे और आर्य समाज जो है वैदिक से रिलेटेड है, यानी वेदों से रिलेटेड है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। तो क्लियर हो जाएगा इसका, एक का चार, उसके बाद बी का एक, सी का दो, चार एक दो तीन है शायद, चार एक दो तीन, चार एक दो तीन के नंबर में, डी नंबर में। क्लियर, चलो। निम्नलिखित में कौन नहीं है, सुमेलित नहीं है? आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती तो सही है, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो पर डे आत्मा से प्रार्थना करेंगे, तो एम जी रनाडे और आत्माराम पांडुकर, तो ए बी दोनों सही है। तीसरा देखिए, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के जो है स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ये भी सही है। आदि ब्रह्म समाज, यहाँ पे देखिए एक ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने, लेकिन आदि लगा हुआ है तो ये गलत है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के बाद ब्रह्म समाज का ही नाम पड़ा था, आदि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्लियर, मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना तो किए ही थे राजा राम मोहन राय, लेकिन उनके बाद में जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत ये आदि ब्रह्म समाज कहलाया था, तो यानी सी गलत है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए 117 का देखिए, सबसे पहला है यंग बंगो बंगाल आंदोलन, तो इसमें एक शब्द है यंग, तो हर नारी क्या चाहता है, यंग दिखना, तो पहला सही है। बहिष्कृत हित करने वाला कौन होता है, अंबे माता होता है, जो कि ज्योतिबा फुले दे रहा है, यह गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी, सोफी नाम की लड़की कर्नल अलकाट, ये भी सही है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान, यानी ए सी डी सही है, बी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से जो है आपको मिलाना है, तो 118 का क्या नंबर होगा, कौन सा होगा ऑप्शन ए और बी में से बताइए। तो सबसे पहले देखिए प्रार्थना समाज है, तो पर डे आत्मा से, तो प्रार्थना आत्माराम पांडुकर हो जाएगा। यंग इंडिया कौन है, एम के गांधी होता है, तो ये एम के गांधी हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ज्योति खुलेगा, तो ज्योतिबा फुले, ठीक है। लोकहितवादी है उससे पहले, ठीक है, क्या है लोकहितवादी, तो लोकहितवादी गोपाल हरिदेशमुख हो जाएगा। उसके बाद सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले, और रहनजुमाई मजदेवन सभा जो है नौरोजी फुरदवान जी, यानी 118 का हो जाएगा बी नंबर। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा की प्रेरणा से आत्माराम पांडुकर द्वारा की गई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कुछ समाचार पत्र थे, जैसे इंडियन ओपिनियन, इंडिया का ओपिनियन क्या है, महात्मा गांधी का। हरिजन जो है महात्मा गांधी है। यंग इंडिया की बात करेंगे तो महात्मा गांधी। नवजीवन कौन देगा, तो महात्मा गांधी। अगला हम बात करेंगे महाराष्ट्र के समाज सुधारक, तो गोपाल हरिदेशमुख थे महाराष्ट्र के समाज सुधारक और लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है, तो उपयुक्त सभी, एक सौ बीस नंबर, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसमें से पूछ रहा है निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी का समर्थन करता है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी।
तो 120 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 1 2 3 सही, तीनों सही है। 1 चीज़ याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य एकेश्वरवादी की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद का विरोध था। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। कब? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1828। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज के नवाइयों ने विधा के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 97 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन के इनके प्रणेता प्रारंभ में, करेक्ट आंसर 121 का हो जाएगा डी नंबर, ज्योतिबा फुले थे। नारी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ज्योतिबा फुले। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 के ए नंबर। इसमें समानता यह थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। मतलब राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन देशभक्ति की भावना में विकास में सहायता दिया था 122 का। यह इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, डॉक्टर एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। सोफी नाम की लड़की को सेंट पसंद है, तो ये तो सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, यह मद्रास में है, ये भी सही है। दयानंद सरस्वती ने आर समाज, जिसका आय कम होगा उस पर दया आएगा, तो ये भी सही है। और महात्मा गांधी का जन्म जो है गांधीनगर में हुआ था, जो कि गलत है, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, 123 के लिए। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर, इसीलिए जो है 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती भी। महात्मा गांधी का जन्म 69 में हुआ था, 1869 ईस्वी में, कहाँ पे? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अतः कथन डी सत्य है। और 1899 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली थी। कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। ये सब चीज़ें ठीक हैं। और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के साथ में पंच बनेंगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और इसको जो है मिलाने के लिए बोल रहा है, युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, यानी 1 2 3 तीनों सही सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है, महात्मा गांधी इसके लीडर थे। अखिल भारतीय किसान सभा जो है सहज नंदा सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन जो है रामास्वामी नायकर, कौन थे? रामास्वामी नायकर। तीनों सही है 1 2 3। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ क्या किया गया था, हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में, 36 इनका सीना हो जाएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करेंगे तो ये परियार नामक से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए 125, नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी जो है नियो बुद्धिस्म के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जो है नौ बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 2019 में पूछा गया, याद रखिएगा 2019 में नौ यान नामक एक बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी उन्होंने की थी। दार उर उलूम की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, मौलाना सिबली नुमानी ने। किसने? मौलाना सिबली नुमानी।
देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर जो है, अच्छा, देवबंद आंदोलन, अच्छा, 1866 ईस्वी में। 1924 का तारकेश्वर, बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो बंगाल में हुआ था तारकेश्वर आंदोलन। कब हुआ था? 24 जी किए थे 1924 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ए नंबर, मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 129। हाल ही पद्धति संबंधित थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बंधुआ मजदूर से। क्लियर। हाल ही पद्धति किस से संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, विनय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था, जिसको हम लोग अभिनव भारत समाज यानी यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, विनय दामोदर सावरकर और उनके भाई थे एक गणेश दामोदर सावरकर, मित्र मेरा नाम संगठन शुरू किया था 1940 ईस्वी में। बी डी सावरकर ने नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत यानी यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया सोसाइटी का पुराना नाम क्या था? मित्र मेला, जिसका नाम बदला था किसने? बीडी सावरकर ने। क्लियर। बीडी सावरकर यानी विनय दामोदर सावरकर। अब हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीति संस्था है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में जिस राजनीति संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी, तो उसका नाम था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन का डी नंबर, जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़? जमींदारी एसोसिएशन। याद रखिएगा, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दो का दी, पूना सार्वजनिक सभा, दो का डी नंबर। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो ये तो अपने को पता है, एम जी रनाडे तथा जी वी जोशी द्वारा की गई थी। कब? 1870 ईस्वी में। और 1875 ईस्वी में उन्होंने जो है ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन में क्या करेंगे, कौन रहेंगे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी रहेंगे, बनर्जी साहब। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस, क्या क्या नाम है उनका, आनंद मोहन बोस के संग ये सहयोग से इंडियन एसोसिएशन में भारत संघ की स्थापना कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो करेक्ट आंसर एस एन बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थे, कांग्रेस से पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दो का डी नंबर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था जो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ही थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो करेक्ट आंसर ए नंबर, 1874 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्वितीय भारतीय जो थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण किया था, ठीक है, उन्होंने 1874 ईस्वी में पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा
इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? करेक्ट आंसर सात का बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1874 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो करेक्ट आंसर 8 का जो है सी नंबर, इंडियन एसोसिएशन। अगला देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो करेक्ट आंसर 9 का जो है सी नंबर, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय जो है राम मोहन राय थे। ये चीजें जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित को जो है उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का डी नंबर, 1432। ठीक है, 1432। चलिए इसका थोड़ा डेट याद रखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1852 बॉम्बे, बावन बॉम्बे कौन करेगा, बावन करेगा, तो 18 साल का लड़का बावन, तो इसके जो है स्थापित किया गया था दादा भाई नौजी के द्वारा। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन बावन, 1852 दादा भाई नौजी। इंडियन लिंग साथ में पंच मारेंगे, शिशिर कुमार घोष, इंडियन डायन, इंडियन डायन साथ में पंच, तो शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन भाई, अच्छा, क्षेत्र है, अच्छा, क्षेत्र इंडियन एसोसिएशन क्षेत्र, 1800 सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा जो है स्थापित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास जो है महाजन सभा, इसमें क्या हुआ कि 8 का 4 कर देगा 84 ईस्वी में, इसमें जो है रामा स्वामी थे, सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चावल। क्लियर हो गया। तो बॉम्बे एसोसिएशन की बात करेंगे तो क्या होगा, 52 लोग जाएंगे बॉम्बे में, 1852 दादा बहन हो जाए। इंडियन लीग जो है डायन हो जाता है, शिशिर कुमार घोष साथ में पंच मारेंगे 75 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन में 76 था तो आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो मई 1884 ईस्वी में। ठीक है, 8 का 4 कर देगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 8 का 4 1884 ईस्वी में, जो कि स्टार है। निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ए नंबर, फिरोज शाह मेहता। रोज बम्बई जाएंगे तो मुंबई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबाजे। ठीक है, तथा के टी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो पीछे हट बम्बई प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता रोज जाएंगे, बदरुद्दीन तैयबाजी और टी तैलंग के साथ। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ए बी डी तीनों सही है, फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग, तैयबाजी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ई नंबर, 1885 ईस्वी में। निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। इसमें बोल रहे जो सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का आपका बी नंबर, 3-4, क्योंकि ये इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना भी आपका लंदन में हुआ था और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 3-4 गलत है, समझिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो 1839 ईस्वी में लंदन में किसने किया था? विलियम एडम के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में लंदन, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1771 लंदन, मेरी कारपेंटर और मैनिंग ने। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस कलकत्ता में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था में से एक नहीं थी? ये क्वेश्चन है आपका 2017 का।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है स्टार दिया हुआ। प्रश्नानुसार विकल्प में दी गई संस्था कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था थे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लैंडर्स सोसाइटी की स्थापना जो है 38 लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था 1838 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है 52 मद्रास नेटिव एसोसिएशन अपन जाएगा 52 ठीक है। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 51 रुपये का चंदा देना पड़ेगा 51 रुपये का चंदा 1851 ईस्वी में। द इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1876 ईस्वी में। तो कोई भी उत्तर सही नहीं है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और 1885 का सब पहले है क्लियर। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 52 करेगा, द इंडियन एसोसिएशन 76 और द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है 51 क्लियर। चलिए निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और उसकी जो है आपका ये करने के लिए बोल रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए नंबर 1 2 3 4 ठीक है। थोड़ा सा डेट देखिए तो बंग भाषा प्रकाशित सभा की अगर हम बात करेंगे तो कब हुआ था तो 36 3 2 6 करेगा। लैंड होल्डर्स 38 38 अड़ती 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 लैंड होल्डर क्या करता है अड़ती है। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे 43 और इंडियन लिंग जो है 7 में 5 मारेंगे शिशिर कुमार घोष तो 1875 ईस्वी में। ये 1843 1838 1836 चलिए इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं सबसे पहला इंडियन एसोसिएशन तो इंडियन एसोसिएशन का कौन हो जाएगा तो एस कौन करेगा बनर्जी साहब ठीक है। इंडियन सोसाइटी तो इंडियन सोसाइटी में क्या है जब इंडिया का सोसाइटी है तो उसमें आनंद आएगा तो आनंद मोहन बोस। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे और लैंड होल्डर सोसाइटी तो लैंड होल्डर सोसाइटी का हो जाएगा आपका द्वारका नाथ टैगोर और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो इसका जो हो जाएगा आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ठीक है 3 2 1 4 3 2 1 ए नंबर करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट अगेन इसको मिलाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए इंडियन लीग की बात करेंगे तो इंडियन लीग इंडियन डीएन इंडियन लीग क्या है डायन हो जाता है एक तरीके से इंडियन लीग डायन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शिशिर कुमार घोष क्लियर। इंडियन एसोसिएशन तो जो इंडियन एसोसिएशन उसमें क्या आएगा आनंद आएगा आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की बात करेंगे तो उदार संघ में कौन जाएगा बनर्जी साहब और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ठीक है। यानी 1 2 4 3 डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिलाने के लिए बोल रहा हूँ तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन तो इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप पाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब। पूना सार्वजनिक सभा तो करेक्ट आंसर गोविंद रनाडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो बॉम्बे रोज जाएंगे फिरोज शाह मेहता। अगला देखिए मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करेंगे तो आनंद चार्लो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक 20 का करेक्ट आंसर राजा शिव प्रसाद ठीक है 20 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ये भी सही है। रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुआ था 1823 ईस्वी में। रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 ईस्वी में
और लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1844 दे रहा है, जो कि गलत है, 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। यानी सी और डी दो गलत है। अगला देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था? तो एस कौन करेगा? बिल्ली करेगा, विलियम जॉन्स। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर 23 का जो है सी नंबर, राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 51 रुपए में, ठीक है, 51 रुपए में, 1851 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य की बात करेंगे तो राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत, याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 कलकत्ता, जिसका प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव। अगला जो है 24 नंबर मिलाने के लिए कुछ बोल रहा है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो इसका तो हम लोग अभी पढ़े, राधाकांत देव, यानी एक का हो जाएगा आपका 3 नंबर, एक का 3, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं, तो बॉम्बे हम लोग जो है रोज जाएंगे, तो तेलंग, के टी तेलंग है, सही है, 2 का 3, 2 का 2, सॉरी बी का 2। सेंट्रल मोमडन एंड नेशनल एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका सैयद अमीर अली, एंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 3, पहला का 3 हो जाएगा, बी का 2 एंड सी का 4, 3 2 4 1 और डी का 1, 3 2 4 1, तो करेक्ट आंसर बी नंबर में। नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आगे का।